सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑनलाइन बैंकिंग चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो उसे अदर बैंक में अदर अकाउंट में कैसे पैसा ट्रांसफर करते हैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, तो इसी वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो आपको अपने मोबाइल बैंकिंग में जाना है और अपना पासवर्ड डालना है और वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको पहले हम बैलेंस अपना दिखा देते हैं। तो देखिए, अभी हमारे अकाउंट में बैलेंस है जो 1009 रुपये हैं, 1009 रुपये हैं। तो अभी हम बैंक चलते हैं और यहाँ पे देखिए फंड ट्रांसफर लिखा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे IMPS, इस पर NFT करेंगे तो ये 4 घंटा लगा देता है, 3 घंटा लगा देता है। और IMPS करते हैं तो आप जिसे ट्रांसफ़र करेंगे उसे जिसके भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उनके अकाउंट फटाक से चला जाता है। तो अब चलिए हम IMPS करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ट्रांसफ़र टू अकाउंट, तो आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ नीचे वाला है ट्रांसफ़र टू मोबाइल, जिसे किसी के दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनका खाता जो उनका अकाउंट होगा उनका मोबाइल से रजिस्टर्ड होगा, तो उनके मोबाइल में भेजेंगे तो उनके अकाउंट में ही जाएगा। और यहाँ पर आता है ट्रांसफ़र टू आधार, अगर मैं उनके आधार में भेजेंगे तो उनका अकाउंट में ही जाएगा। तो चलिए अभी हम अकाउंट वाला ही करेंगे, तो ट्रांसफ़र टू अकाउंट इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ ओके करना है। यहाँ पे देखिए आपको अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ वही अकाउंट नंबर यहाँ डालना है और IFC कोड डालना है और अमाउंट डालना है और रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे IFC कोड डालेंगे ऑटोमेटिक बता देगा ये ब्रांच कहाँ पे है, उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना फिल कर देते हैं। तो देखिए हम अपना अकाउंट नंबर डाल दिए हैं जहाँ पर हम भेज रहे हैं और यहाँ पे पूरा एड्रेस बता दिया कि ये ब्रांच यहाँ पे है और थोड़ा हम हाइड किए हुए हैं और यहाँ पर नाम बता देता है। जैसे IFC कोड डालेंगे ये नाम बता देगा कि ये अकाउंट है। और चलिए हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं और हम आपको डेमो के लिए हम 500 रुपये भेज के दिखा रहे हैं। तो अभी हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं और फिर देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा कि अकाउंट नंबर सही है, सब चीज़ सही है। तो सब चीज़ सही होगा तो आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। तो चलिए हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर एंटर MPIN मांगेगा तो इसको अपना MPIN जो भी होगा वो डाल देना है। तो चलिए हम अपना डाल लेते हैं और डालने के बाद आपको वो ऑटोमेटिक खोलो। तो देखिए चला गया है और डेट भी दिखा रहे हैं और टाइम भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप पैसा भेजेंगे तो टाइम और डेट सब दिखाएगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम बैक चलते हैं और फिर हम आपको अकाउंट दिखाते हैं कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस बच गया। तो माई अकाउंट पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 509 रुपये बच गए और इसका मेरे हिसाब से कोई भी चार्ज नहीं लगा है। तो कोई भी चार्ज नहीं लगा है और आप लोग भी भेज सकते हैं। तो देखिए अभी हमारे में 1009 रुपये था, अभी हमारे में 509 रुपये बच गया है। तो आप लोग भी इसी तरह भेज सकते हैं। तो हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। अगर मैं आपको और किसी बैंक से ट्रांसफ़र करना है तो आप हमें कमेंट में कीजिएगा और उसका बैंक का नाम लिखिएगा।